सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय जो कैवल्यपाद कहलाता है के 24वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 24वां सूत्र कहता है, तद संखे वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संघत्त कारित्वात्। अर्थात वह अर्थात चित्त के विषय में कहा जा रहा, वह अनगिनत वासनाओं से चित्रित हुआ भी दूसरे के लिए संघत्तकारी होने से परार्थ है। दूसरे के लिए अर्थात परार्थ। यहां पर यह बताया जा रहा है कि यह जो हमारा चित्त है उसमें अनगिनत वासनाएं होती हैं, असंख्य। तो असंख्य वासनाएं यहाँ पर आती हैं, रहती हैं इंद्रियों के संवेगों के द्वारा, यहाँ पर आती हैं इच्छाएं, यहाँ उत्पन्न हो रही हैं और ये कष्ट भी भोगता हुआ प्रतीत होता है चित्त, सुख भी भोगता हुआ प्रतीत होता है, अन्य सब चीज़ों को भोगता हुआ प्रतीत होता है। यह ऐसा लगता है कि सर्वार्थ यही है, जैसा कि पिछले सूत्र में भी बताया गया था। लेकिन ऐसा लगता है सिर्फ भ्रांति की वजह से, वास्तव में यह पुरुष के द्वारा अर्थात आत्मा के द्वारा यह प्रकाशित है, अर्थात यह स्वप्रकाशित नहीं है, पर प्रकाशित है। और ये भोग का आश्रय मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि यही भोगता है, सारी वासनाएं भी यहाँ हैं और ऐसा भोगता हुआ मालूम पड़ता है। परंतु वास्तविक भोगता तो पुरुष ही है, जो कि भोगते हुए भी नहीं भोगता है। यह उसकी विलक्षणता है, वह इसका अतिक्रमण कर जाता है और साथ लेते हुए अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वह अक्रिय होते हुए भी, निष्क्रिय होते हुए भी, निष्क्रिय तो नहीं कहूँगा लेकिन अक्रिय अवश्य कहूँगा, क्रिया से परे होते हुए भी वह इन सभी चीज़ों को भोग लेता है, ग्रहण कर लेता है। और इसके विषय में कह रहे हैं कि चित्त जो है परार्थ के लिए, दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए जब भी कुछ होगा तो जाहिर सी बात है कि वह वास्तविक भोक्ता नहीं होगा। यह संघत्यकारी है, अर्थात यह मिलजुल करके बना हुआ है, तो कई चीज़ों के मिला करके बनने के कारण जो है यह संघत्यकारी कहलाता है। और कई चीज़ों के मिला से जो बनता है, इसका मतलब वह वास्तविक भोक्ता नहीं हो सकता, वास्तविक कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जिन चीज़ों से मिला है उससे वह प्रभावित हो रहा है। वास्तव में फाइनल रिसीवर वे हैं जिससे कि वह बना है, तो संघत्यकारी है यह, स्पष्ट यहाँ कहा जा रहा है, यानी मिलजुल करके बना हुआ स्वरूप है, ढांचा है यह, जैसे कि मकान होता है, मिला जुला करके बनता है, ईंट से, सीमेंट से, बालू से, छड़ से, गिट्टी से, इस सबसे मिला करके बनाते हैं। और मकान अपने लिए मकान नहीं होता, अपने लिए वह नहीं भोगता उसको, उसमें रहने वाला उसको भोगता है। यह जो है दृष्टांत है यह समझने के लिए कि जो चित्त है वह वास्तविक भोक्ता नहीं है, क्योंकि वह संघत्यकारी है, जो किसी से नहीं मिलकर के बना है, यानी जिसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कोई नहीं है, जो स्वतः ही है बस, जिसको आप फिर से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो वही जो है वास्तविक भोक्ता होता है, वास्तविक रूप से वही स्वामी होता है, वही जो है सब गाइड करता है, वही रेगुलेट करता है, उसी के ही सारे स्वरूप होते हैं,
जो किसी से भी मिलके नहीं बना है, जबकि यह किसी से मिलकर के बना है। इसीलिए पुरुष जो है वह संघत्तकारी ना होने के कारण और क्रिया से परे होने के कारण और उसकी सीमा नहीं होने के कारण वही वास्तविक भोक्ता है, और ऐसा भोक्ता है जो कि वास्तव में अभोक्ता है, भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता है वह। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो खड़ा होता है, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, वो जो यहाँ पर लिखा हुआ है असंख्य वासना भी, असंख्य वासनाएं होती हैं। असंख्य अर्थात जिसकी संख्या निर्धारित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, परंतु कितनी भी वह हो जाए जो निर्धारित नहीं है वह अनंत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि असंख्य का मतलब अनंत हो गया, लेकिन असंख्य का मतलब हो गया कि अनिश्चित संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं सिवाय अनंत की। इसके कारण ही यह जो चित्त है वह अंतिम भोक्ता नहीं है। यदि यहाँ असंख्य की जगह अनंत होता शब्द का प्रयोग, तब तो फिर चित्त को ही मानना पड़ता कि वास्तविक भोक्ता चित्त ही है, फिर हम अलग से पुरुष की फिर कोई बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब अनंत वासना हो चुकी तब फिर और जगह कहाँ रह गई, और क्या बच गया, कोई तत्व तो कहाँ रह गया। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम यह नहीं कह सकते थे कि इस चित्त से भिन्न कोई पुरुष है। तो यदि यह कोई कहे कि असंख्य का मतलब अनंत है, तब तो फिर चित्त ही अंतिम है, तब फिर पुरुष के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, तब आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। और तब जैसे कुछ बौद्ध धर्म वाले मिस इंटरप्रेट करके कहते हैं कि आत्मा कहीं नहीं है, जो है सो चित्त है, लेकिन तब ऐसी स्थिति में चित्त जो है अनंत होना चाहिए, और चिदाणु जो होने चाहिए वो अविभाज्य होने चाहिए। तो अगर चिदाणु अविभाज्य हैं, असंयोज्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि वे आत्मा की जो शर्त है उसको पूरा कर रहे हैं, फिर तो सिर्फ नाम बदल गया, आप उसको आत्मा कह लें या चिदाणु कह लें। तब वैसी स्थिति में तो ठीक है कि बौद्ध दर्शन जो कह रहा है वही सनातन धर्म का ग्रंथ कह रहा है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के यथा शब्द का प्रयोग किया है और कई बार किया है, तो जाहिर सी बात है कि वे भी आत्मा को मानते ही थे। और चित्त को आप अनंत नहीं मान सकते, क्योंकि वह संघत्यकारी है। पतंजलि जी स्पष्ट कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और चूंकि आप उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, चिंतन मनन से ही साक्षात्कार कर लेते हैं, इससे भी पता चलता है कि चित्त जो है अनंत वाला है, नहीं है, अंत वाला है, अन्यथा आप उसका साक्षात्कार कैसे कर लेते हैं? अनंत का साक्षात्कार आप कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपका चित्त जो है चित्त को महसूस कर ले रहा है, यानी आपका ही चित्त आपके चित्त को स्वयं को ही महसूस कर ले रहा है, और आपके अलावा और चित्त अपने चित्त को महसूस करने के अलावा अन्य चीजों को भी महसूस कर ले रहा है। और चूंकि आपने उसका एहसास कर लिया, उसकी अंतिम चीज को जान लिया, उसको महसूस कर लिया, उसको जान लिया, तो इसका अर्थ हो गया कि आपको अपनी सत्ता लग गई कि मेरी सत्ता है और यह एक चित्त है। तो जब आपने कह दिया कि यह देखो यह चित्त है, तो इसका अर्थ है कि आप कुछ और हुए और चित्त कुछ और हुआ। तभी तो आपने कहा कि देखो यह चित्त है, तो आपने चित्त का दर्शन किया, तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ जो है उस जगह पर चित्त का विभेद हो चुका है, और एक आप जो दृष्टा हैं चित्त का, वह कुछ और है, वह चित्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर फिर जो है चित्त सूक्ष्म सिद्ध नहीं होता है, तो इसलिए पुरुष का अस्तित्व यहाँ पर वैसे भी सिद्ध हो जाता है। और बौद्ध दर्शन को इसीलिए आत्मा की बात माननी ही पड़ती है। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि चित्त को और आत्मा को बिल्कुल स्पष्ट
कर देता है, विभाजित कर देता है, और यह भी कर देता है कि किस तरह से आत्मा प्रमाणित होती है और चित्त किस तरह से प्रमाणित होते हैं, किस तरह से चित्त और आत्मा अलग अलग होते हैं। चित्त तो बस सतरज और तम गुणों का ही मिश्रित क्रिया प्रक्रिया परिणाम है, और पुरुष जो है, आत्मा जो है, वह इन गुणों से परे की सत्ता सिद्ध होती है। चित्त जो है वह प्रकृत अंश है, चित्त सक्रिय है, जबकि आत्मा जो है वो अक्रिय है, और विभाजन और संयोजन से परे है, जबकि यह विभाजन और संयोजन इसका हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतना जो है आपको स्पष्ट हो गया होगा, और जो इनमें भेद है वह आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई समझने में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि यह जटिल सूत्र है निसंदेह, परंतु महत्वपूर्ण सूत्र है। आपको समझने में दिक्कत भी हुई है तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा समझा दिया है अपने तरफ से। जो मोक्ष होगा इस स्थिति में, तो अब प्रश्न उठता है कि ये मोक्ष किसको होगा। जो बंधन में महसूस कर रहा है उसी का तो मोक्ष हो सकता है, अन्यथा आत्मा तो बंधन और मोक्ष दोनों से परे है। तो जाहिर सी बात है कि चित्त ही बंधन में महसूस करता है अपने को, तो फिर चित्त का ही मोक्ष संभव है। तो वह आत्मा जो इस तरह से चित्त से बंधा हुआ है, चित्त से बंधा हुआ जो अस्तित्व सिद्ध होता है आत्मतत्व का, उसको जीवात्मा कहते हैं। वह एक मध्य की अवस्था आती है, या उसको आप कह सकते हैं वह चिराणु है जो कि अपने को प्रकट करने में समर्थ है, तो उसको भी आप जीवात्मा कह सकते हैं। तो वह जीवात्मा, वह चिदाणु, वह ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है, और वही मोक्ष को प्राप्त होता है, वही दुख क्लेश को झेलता भी है, सुख को भी झेलता है। कर्म संस्कार वगैरह सारे जितने हैं वे उसी में पड़े रहते हैं। सबसे सूक्ष्मते सूक्ष्म संस्कार जो है वह उसी में रहते हैं। संस्कार तो और भी जगह रहते हैं, परंतु सबसे मतलब संस्कारों का भी जो संस्कार होता है, उसका भी जो संस्कार होगा, वह जो है वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ से अंकुरित होता रहता है और क्रियाओं को जन्म देता रहता है, गुणों को संचालित और प्रभावित करता रहता है। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।